नमस्कार दोस्तों, मैं और ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 के बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो विद्यार्थियों को प्रमोट करने के बीच में कई विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षा तिथियाँ हैं वो घोषित कर दिया और कई ने परीक्षा तिथियाँ हैं वो घोषित करने का निर्णय ले लिया। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम विद्यार्थियों को है वो बिना परीक्षा कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इसके लिए हम हमारे स्तर पर क्या तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं पहले ही बता दूं कि मैं स्वयं दोस्तों प्रमोशन के खिलाफ हूं, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिलना ही दोस्तों बेहतर रहेगा। इसका कारण यह है कि कोरोना वायरस का संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में परीक्षाएं करवाई जाती है और किसी विद्यार्थी के कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका दोस्तों है वो दोषी कौन होगा या उसके जिम्मेदार है वो कौन होगा। इसलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने प्रमोशन के लिए, किस को हम है वो दोस्तों सिफारिश कर सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज। एक तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आमजी यूनिवर्सिटी केरला ने है वो 18 मई 2020 से एग्जाम कराने का फैसला ले लिया है। उन्होंने कह दिया है कि वो अपने 18 मई 2020 से जो बाकी बचे हुए एग्जाम हैं वो स्टार्ट कराने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है कि वो अपना जो वार्षिक परीक्षा का नया कार्यक्रम है वो 5 मई 2020 को घोषित कर देगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेज की वार्षिक परीक्षा का नया कार्यक्रम 5 मई को जारी होगा। इसके 10 दिन के बाद से टेली परीक्षा शुरू होगी। 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन 15 मई से वार्षिक परीक्षा चलाने की तैयारी कर ली है। कोरोना वायरस के चलते इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में चल रही स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों वर्षों की परीक्षाएं 18 मार्च से स्थगित कर दी गई है। समय पर परिणाम देने के लिए स्नातक के जिन विषयों की परीक्षा है संपन्न हो चुकी है उनकी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के पास भेज दी गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होगा तो 5 मई को स्नातक परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 5 मई को है वो आपका नया कार्यक्रम जारी हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हम बात करेंगे प्रमोशन के लिए हम क्या कर सकते हैं हमारे स्तर पर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले भी हमने ट्राई किया था जब राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने एक 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी परीक्षाओं के संबंध में। तब हमने दोस्तों 1100 प्लस जीमेल है वो राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग के पास भेजी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसमें हम है वो सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनके पास है दोस्तों 6000 से भी अधिक सुझाव पहुंचे थे। उसमें से केवल हमारे द्वारा जो सुझाव दिए गए थे वो 1100 के करीबन सुझाव थे। इसलिए उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और उन्होंने जून के प्रथम सप्ताह से परीक्षा कराने का फैसला लिया, क्योंकि दोस्तों बहुमत उनके पास उनके पास ज्यादा सजेशन इस प्रकार के जाते कि प्रमोशन सीधा कर दिया जाए तो जरूर दोस्तों वो फैसला लेते। तो इसी वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। अब आपको बताइए दोस्तों, कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की है वो 2 उच्च स्तरीय दोस्तों कमेटी बनी हुई है। एक कमेटी एग्जामिनेशन को लेकर निर्णय लेगी, दूसरी एकेडमिक कैलेंडर को लेकर निर्णय लेने वाली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो एग्जामिनेशन को लेकर बनी कमेटी है, हम उन्हें अपने सुझाव दे सकते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों को है परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। अब किस प्रकार प्रमोट किया जाए दोस्तों, वो हमारी अपनी राय हो सकती है। हम ये कह सकते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को है वो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो एवरेज मार्क्स है वो दे दिए जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी है वो फाइनल ईयर में एवरेज मार्क्स से कुछ है उन्हें वो दे दिया जाए, और जो विद्यार्थी यदि एवरेज मार्क्स से कुछ नहीं है उनके लिए आगे जब भी स्थिति सुदृढ़ होती है सितंबर अक्टूबर में तो उनके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम वो किए जा सकते हैं और वो उनके मार्क्स दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में केवल उन्हें इस प्रमोट कर दिया जाए, कोई भी परसेंटेज नहीं दिया जाए। उसके बाद में उनके जो आगामी वर्षों में जो परसेंटेज आने वाले हैं वही उन्हें है वो दे दिए जाए। तो दोस्तों लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमें कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा दोस्तों सजेशंस है वो भेजने होंगे। हो सकता है दोस्तों मेरी बात आपको ऐसी लगी कि 1 लाख बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब तक हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 1 लाख से ज्यादा सजेशन नहीं भेजेंगे तब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे। इसलिए दोस्तों हमें किस नंबर जीमेल भेजना है और क्या प्रारूप रखना है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए एक है
वो आवश्यक बात यह रहेगी कि यदि दोस्तों इस वीडियो पर है वो 75,000 प्लस व्यू आते हैं तो दोस्तों मैं उसी दिन आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि हमें किस प्रारूप के साथ में जीमेल भेजना है और साथ ही साथ में दोस्तों हमें क्या जीमेल में भेजना है जिससे हमें प्रमोशन करने की आस बढ़ जाए, क्योंकि जितने उनके पास में यूजीसी के पास में अधिक से अधिक सुझाव पहुंचेंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा, हमारे प्रमोशन की दोस्तों बात उतनी ही ज्यादा निकलेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों यूजीसी ने सजेशन मांगे हुए हैं, सजेशन केवल वही विद्यार्थी अभी ज्यादा दे रहे हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम करवाए जाएं, या दोस्तों प्रशासन या शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है वो ही दोस्तों ये कह रहे हैं कि एग्जाम कराए जाए तो उनके जो एग्जाम करवाने वाले सुझाव है उनके पास वो ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो जो सुझाव उनके पास दोस्तों ज्यादा पहुंचेंगे हो सकता है कमेटी उस बात पर गर्व करे। तो जिस दिन दोस्तों हमारे इस वीडियो पर 75,000 से भी अधिक व्यू आ जाएंगे मैं आपको उसी दिन बता दूंगा हमें क्या जीमेल भेजना है, किस प्रकार से भेजना है। केवल आपको सीधा जीमेल करना होगा, मैं आपको वो जीमेल में आपको क्या भेजना है वो भी दोस्तों कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, केवल आपको जीमेल में भेजना होगा। लेकिन आपका दोस्तों नैतिक कर्तव्य भी यह बनता है कि आप कम से कम इस वीडियो में दोस्तों 75,000 प्लस व्यूज लाने के लिए आप दोस्तों अभी से जुड़ जाए तुरंत। जितनी जल्दी दोस्तों ये कार्यक्रम हम संपन्न कर लेंगे उतनी जल्दी हम जीमेल भेज देंगे और जो एजुकेशन कमेटी बनी हुई है एग्जाम्स के ऊपर वो जल्द से जल्द निर्णय लेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों ने 30 अप्रैल से पहले पहले निर्णय लेना है, 23 अप्रैल आज हो चुकी है, यदि हम 25 अप्रैल से पहले पहले यदि उन्हें सुझाव भेज देते हैं तो हमारे सुझावों पर कमेटी जरूर गौर करेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थियों को यह बात कहें कि वो भी दोस्तों जीमेल है वो भेजने के लिए तैयार रहे। और यदि आप भी दोस्तों जीमेल भेजने के पक्ष में हैं हमारे प्रमोशन के लिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, यदि आप दोस्तों पक्ष में नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।